Assalamu alaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about Eric Erickson stages of psychosocial development. So, let's start. ओके जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसकी स्टेजेस में हम लोग आगे क्या फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो एरिक्सन का कहना क्या था कि जो पर्सनालिटी होती है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलप होती है इन 8 स्टेजेस के जरिए, जो कि 8 स्टेजेस उसने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब की हैं। जैसे डोमेन का कहना ये था कि जो बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, वो लर्निंग जो है वो इन 3 डोमेन से करते हैं। वो 3 डोमेन जो थी वो थी कॉग्निटिव थी, अफेक्टिव थी और साइकोमोटर थी। इस तरह एरिक्सन का कहना ये है कि पर्सनैलिटी जो है वो ह्यूमन बींग के अंदर डिवेलप होती है थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डिवेलपमेंट जो कि उसने डिवेलप की थी। ठीक हो गया, तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि साइको का मीनिंग क्या होता है। कि साइको मींस साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक हो गया, और सोशल मींस कंफ्लिक्टिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब आप लोगों ने इन दोनों चीजों को याद रखना है। एरिक्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट ई स्टेज हैड इट्स ओन यूनिक चैलेंज दैट ही कॉल्ड क्राइसिस। एरिक्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि हर स्टेज का एक अपना एक यूनिक चैलेंज होता है जिसको हम लोग क्राइसिस कहते हैं। अब आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। आप लोगों से MCQs में या आप लोगों से कोई पूछा जा सकता है कि एरिक्सन की स्टेजेस में क्राइसिस का क्या रोल है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हर स्टेज के अंदर एक न्यू चैलेंज होता है, यूनिक चैलेंज होता है, उसको हम लोग क्राइसिस कहते हैं। ठीक हो गया, आगे है जी। उसने बताया था कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज इज द रिजल्ट ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक वर्चुअल व्हिच इज बेसिकली आवर स्ट्रेंथ व्हिच ह्यूमन ईगो यूज द पावर टू रिजॉल्व ह्यूमन क्राइसिस। उसका ये कहना था कि अगर हम लोग सक्सेसफुल तरीके से कामयाब तरीके से अपनी स्टेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें एक वर्चू हासिल होता है। ठीक है, हमें एक बेसिक वर्चू हासिल होता है जो कि हमें एक ताकत देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है कि हम लोग अपनी जो क्राइसिस हैं अपनी लाइफ के उसको हम लोग रिजोल्व कर सकें। ठीक हो गया, एरिक्सन की जो थ्योरी थी बेसिकली उसका मेन इंपॉर्टेंस सोशल इंटरेक्शन पे था। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, एरिक्सन ने ज्यादा जोर ही सोशल इंटरेक्शन पे दिया था। ठीक हो गया, आगे इसकी जो स्टेजेस थे, स्टेजेस के आगे जो उन्होंने उसने पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट उसने नेम दिए थे और आगे से किस किस एज में कौन कौन सी हम लोग पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है अर्ली इन्फेंसी पीरियड जिसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के नाम से उसने नाम दिया था और वो है 1 से 1.5 साल का। आगे है टॉडलर जिसको उसने ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का नाम दिया था, जो कि 1.5 से 3 साल तक की एज में ये हमारा पीरियड जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट वन इज अर्ली चाइल्डहुड, इसका पर्सनली एट्रीब्यूट था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो कि 3 से 6 साल तक चलता है। आगे मिडिल चाइल्डहुड है जो कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्रारिटी है, 6 से 12 साल तक चलता है, एडोलेसेंस है। आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, आप लोगों ने इसके नेम्स भी याद रखने हैं क्योंकि इसके नेम्स के अंदर ही पूरी जो स्टेज की जो है ना थ्योरी वो छुपी हुई है, तो आप लोगों को इसके नेम्स जो होंगे वो याद रखने होंगे। और जो कह लो कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली ये जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा क्योंकि अक्सर साइकोलॉजी के मिड के सवाल में या फाइनल टर्म में जो शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज आती हैं उसके अंदर ये सवाल आम तौर पर पूछा ही जाता है कि जो एरिक एरिक्सन की स्टेजेस थी उसके हमें पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स के नेम बताएं, तो यू विल बी एबल टू नो कि दीज आर 8 स्टेजेस एंड दीज आर इट्स पर्सनली एट्रीब्यूट्स, और कौन कौन से जो पर्सनली एट्रीब्यूट्स हैं वो किस किस एज में डिवेलप होता है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आगे एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस का है जी आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन और ये 12 से 18 साल तक की उम्र में होता है। यंग एडल्टहुड है, यंग एडल्ट में इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन ये 19 से 40 साल की उम्र में। आगे मिडल एडल्टहुड है ये जनरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन ये 40 से 65 साल की उम्र में। और आगे है ओल्डर एडल्टहुड जो कि इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर है ये 65+ ऑन आपके टिल दैट तक यही ये जो यही पीरियड है वो चलता है। ठीक हो गया, ओके जी, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के इसमें क्या चीज़ होती है और इसमें हम लोगों को अगर हम लोग इसको अचीव कर जाएं तो हमें कौन सा वर्चू हासिल होता है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं।
तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट, इसमें जो इन्फेंट होता है वो डिपेंड करता है अपने प्राइमरी केयर गिवर पे, मीन जो प्राइमरी केयर गिवर वो होता है जो उसके बिल्कुल पास होता है, जो उसका ख्याल रखता है, जो उसके कपड़े चेंज करता है, जो उसके कह लो कि उसकी हर चीज़ पूरी करता है, उसे खाना खिलाता है, उस हर टाइम उसके पास होता है, वो उसकी मदर होती है। ठीक हो गया। तो इन्फेंट सबसे पहले तो डिपेंड करता ही अपने प्राइमरी केयर गिवर पे है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होप की सूरत में मिलता है, मतलब उसे उससे उम्मीदें होती हैं। ठीक है, इसका जो वर्च्यू है वो होप है, होप चैलेंजेस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम्स। ये पॉजिटिव आउटकम में होप जो है वो मतलब इसका एट द एंड ये कंक्लूजन निकलता है। तो इनकंसिस्टेंट केयर अगर होगी तो हम लोग मिसट्रस्ट की तरफ पे चले जाएंगे, हम लोग किसी पे एतबार नहीं करेंगे, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है कि इन्फेंट इज़ कम्प्लीटली एलियन टू द वर्ल्ड अराउंड। इन्फेंट जो होता है अमूमन तौर पर जो बच्चा होता है जो एक से दो साल तक होता है, सॉरी प्री बर्थ टू टू ईयर्स होता है, वो बेसिकली अपने इर्द गिर्द के लोगों को एलियन समझता है। ठीक है, तो वो सबको ही मदद के लिए पुकार रहा होता है इस स्टेज में। इस स्टेज का बुनियादी मकसद ये है, और इसमें जो हमें बेसिक वर्च्यू हासिल होता है वो होप का हासिल होता है। आप लोग अपने हाथ में पेंसिल कॉपी पकड़ के लिख भी सकते हैं कि हमें कौन सी स्टेज में कौन सा वर्च्यू हासिल होता है कि आप लोगों के लिए फिर बेस्ट हो जाएगा। सो हम आगे नेक्स्ट स्टेज की, नेक्स्ट स्टेज है हमारी ऑटोनमी वर्सेस शेम। ठीक हो गया। टॉडलर स्ट्रगल टू गेन द ऑटोनमी एंड बेसिकली कंट्रोल, मीन के टॉडलर जो होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ हासिल करें। हम लोग इस एज में क्या होता है, बेसिकली ये एज जो होती है वो हमारी 2 साल से 3 साल तक की होती है या 1.5 साल से 3 साल तक की होती है। तो इस एज में क्या होता है, ओरली जो हम लोग फंक्शन बच्चे जो होते हैं वो छोटी मोटी स्किल्स सीखता है, उन स्किल्स में वॉकिंग आ गई, टॉकिंग आ गई, और टॉडलर लेग्स यहाँ पे वॉकर का जिक्र किया गया है कि बच्चा वॉकर में बैठ के अपने आप को चलने की कोशिश करता है, ड्रेसिंग अप करता है, मीन खुद से कपड़े पहनना, खुद से अपने आप को मतलब ट्राई करना कि मैं किस तरह से लग रहा हूँ, वो ड्रेसिंग अप अपने खुद से करता है। वन सेल्फ इंक्रीजिंग की दे वुड एक्चुअली वॉन्ट टू डू दिस थिंग विदाउट ऑल्डर हेल्प। वो किसी की इस स्टेज में बेसिकली वो ईगो सेंट्रिक इसकी एज होती है वो, और वो इस एज में किसी की भी मदद नहीं चाहता। वो कहता है कि जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ, लेकिन वो हर टाइम भी अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी ना किसी की कह लो कि मदद चाहिए होती है, मोर नॉलेजेबल अदर की MKO की चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है, फिर वो उसको बुलाता है, और मीन वो ऑल द टाइम अकेला नहीं रह सकता। इसका जो है वो कंक्लूजन ये निकलता है। तो आगे है कि बैलेंस नीड्स दैट क्रिएटेड बाय पेरेंट्स लेट द चाइल्ड समथिंग टू डू विद ऑन सेल्फ, और लेकिन ये जो बैलेंस होता है पेरेंट्स फिर क्रिएट करते हैं कि चलो जी अब आप लोग खुद करो। आजकल की माएँ तो इतनी मतलब हो गई हैं, वो चाहती हैं कि भी हमारा बच्चा जो है वो हमारी निगरानी में रहे, हम लोग ही उसके केयर गिवर हैं, हम लोग ही उसको हाथ हाथ से रोटियाँ खिलाएँ, हर चीज़ हम लोग उसका देखें। बट ये चीज़ गलत है, बच्चों में ये चीज़ डिवेलप करनी चाहिए कि बच्चा जो है वो खुद से स्ट्रगल करे, खुद से कुछ सीखे, खुद से करे, ताकि उसके अंदर फिर स्टार्ट से ये चीज़ें, ये माओं का ही काम है या हमारे पेरेंट्स बाप का काम है इन बच्चों में ये चीज़ डिवेलप करना, उन्हें बिल्कुल ही माँ बाप का ही पीछे ना लगा देना, मीन के उनके अंदर डिवेलप करना कि आप लोगों ने ये काम खुद करना है, आप लोग खुद स्ट्रगल करो। तो ये पेरेंट्स का ही काम होता है कि वो बैलेंस को है वो बैलेंस को क्रिएट करें। ठीक है, कि आप लोग खुद भी अपने तरीके से कुछ करें। अगर हम लोग सक्सेसफुल तरीके से इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें जो है वो वर्च्यू कौन सा हासिल होता है, विल का। ठीक है, चिल्ड्रन नीड्स टू इनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट बट एट द सेम टाइम डिसिप्लिन नीड्स फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑल इज अबाउट बैलेंस। चिल्ड्रन जो होते हैं उनको जरूरत होती है कि वो इनकरेज कर सकें कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम डिसिप्लिन भी आ जाता है जो कि उनका नेक्स्ट स्टेप बन जाता है बैलेंस का। ठीक हो गया। आगे है जो थर्ड स्टेज हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें द प्राइमरी फीचर ऑफ द चाइल्ड इंटरेक्टिंग विद अदर चाइल्ड पेरेंट नेबरहुड सोशल, सो इट्स अ मिस इंटरेक्शन स्टेज। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चे का मिलाप होता है वो उसके पेरेंट्स के साथ तो ऑब्वियसली होता है, उसके नेबरहुड के साथ भी होता है, उसके सोशल, उसके जितने भी सोशल डिस्टेंस के लोग हैं उन लोगों से भी होता है, वो अपने रिलेटिव्स में भी जाता है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा 3 से 5 साल की उम्र में बच्चा अब खुद चलने लग पड़ा है, खुद से सब कुछ एक्सप्लोर करने लग पड़ा है, वो बाहर निकलता है, अपने बाबा को कहता है मुझे बाहर लेके चलो, तो वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो फिर सबसे इंटरेक्ट करता है। तो ये बेसिकली मिस इंटरेक्शन स्टेज होती है, मिक्स इंटरेक्शन स्टेज होती है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक्स आ जाना था यहाँ पे, सॉरी।
सो चिल्ड्रन डेवलप देयर इम्पर्सनल स्किल्स बाय प्लानिंग अप एक्टिविटीज, मेकिंग अप गेम्स एंड इनिशिएटिंग एक्टिविटीज विद अदर्स. अब इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है वो इम्पर्सनल स्किल्स को डेवलप करते हैं, वो खुद गेम्स बनाते हैं. लाइक आप लोगों ने इस एज में पकड़ पकड़ाई खेली होगी, छुपन छुपाई खेली होगी, आप लोगों ने उसमें बर्फ पानी खेला होगा, डिफरेंट गेम्स होती हैं इसमें. आप लोग मतलब खुद जो कि आप लोग खुद अपनी स्किल्स के साथ डेवलप करते हो, तो ये सब गेम्स जो है वो आप लोग इसी उम्र में खेलते हो या इससे बड़े भी जब हो जाते हो तब भी खेलते हो. तो कुछ एक्टिविटीज़ आप दूसरों के साथ, ये एक्टिविटीज़ ही हो गई ना, चलो तुम छुपो मैं तुम्हें पकड़ती हूँ, या तुम छुपो मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, तुम भागो मैं तुम्हें पकड़ता हूँ. मीन डिफरेंट इसमें गेम्स आ जाती हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टेज, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इस स्टेज का. अगर स्टूडेंट बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता होता ना, वो कुछ भी किसी से किसी भी वक्त किसी भी चीज़ के बारे में किसी से भी पूछ लेता है. मीन उसमें उसको ये चीज़ नहीं पता होती, अच्छा मैंने ये चीज़ नहीं पूछनी, ये चीज़ इससे पूछने वाली नहीं है. बच्चा बच्चे है ना, बच्चे ने कुछ भी किसी से किसी भी टाइम पूछ लेना, कुछ भी. ओके जी, तो इसमें है कि इफ़ द चाइल्ड क्वेश्चंस आर ट्रिकी, द चाइल्ड में डेवलप द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट. और अगर चाइल्ड के क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि वो इस स्टेज में आ जाता है कि वो किसी से किसी भी वक्त किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो अगर उसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़ा ट्रिकी होंगे, तो चाइल्ड अगर कोई किसी का आंसर जो है वो उसको समझाने की मदद से देगा, तो उसको थोड़ा बहुत जो है वो गिल्ट भी फील हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा. चाइल्ड में डेवलप द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, ठीक है ना. मीन उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि ये अब ये मतलब ये बात है, किसी ने मुझे डांटा है तो मुझे अब थोड़ा सा गिल्ट फील करना चाहिए, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए, ठीक है. तो ऑल्दो सम गिल्ट इज नेसेसरी बट्स द राइट बैलेंस दैट विल लेड एक्चुअली द वर्च्यू ऑफ पर्पस. और कुछ जो गिल्ट होती है, कुछ जो शर्मिंदगी होती है, वो लाजमी होती है ताकि हम लोग राइट बैलेंस की तरफ पहुंच सकें. डेट विल लेड एक्चुअली द वर्च्यू ऑफ पर्पस, जो कि हम लोगों को बेसिक पर्पस जो है हमारा बेसिक वर्च्यू की तरफ लेके जा सके. और जो कि हमारा बेसिक वर्च्यू कौन सा है, वो पर्पस का है. ठीक हो गया. ओके तो आगे है जी इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रारिटी. इसमें अब क्या है कि इंडस्ट्री रेफर्स टू बीइंग इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग और कॉम्पिटेंट. अब इंडस्ट्री जो है वो हम लोगों को एक हार्ड वर्किंग और कॉम्पिटेंट इंसान बनाने की ट्राई में लग जाती है, क्योंकि अब हम लोग 5 से 12 साल की उम्र में आ गए हैं. मीन हम लोग अपनी 8th class क्रॉस करने वाले हैं, तो हम लोग बड़े हो गए हैं. तो चिल्ड्रन इन द स्टेज हेयर टू रीड एंड राइट सम मैथमेटिक्स एंड डू थिंग्स इन देयर ओन. अब वो लिखने के भी काबिल हो गए हैं, पढ़ने के भी काबिल हो गए, और मैथमेटिक्स लॉजिक लॉजिक्स के सवाल करने के भी काबिल हो गए हैं. तो टीचर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेज इन द चाइल्ड लाइफ एंड दे टीच देम स्पेसिफिक स्किल्स. अब टीचर्स का इसमें जो रोल है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टीचर्स ने ही बच्चों को स्पेसिफिक स्किल्स जो हैं वो सिखाने हैं. चाइल्ड आल्सो लर्न टू विन रिकॉग्निशन बाय डूइंग थिंग्स राइट बाय प्रोड्यूसिंग थिंग. अब चिल्ड्रन के अंदर भी ये चीज़ आ गई है कि मैंने ये करने से ये चीज़ हासिल होगी और ये ना करने से मुझे ये चीज़ हासिल नहीं होगी. मीन उसके अंदर खुद से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने का, कुछ ना कुछ अचीव करने का जज्बा जो है वो डिवेलप हो जाता है. तो इन दिस स्टेज द स्टडी इनकरेजमेंट लीड टू द स्टेज ऑफ कॉम्पिटेंस. इस स्टेज में अगर हम लोग इसको सक्सेसफुली लेके चलते हैं, तो हम ये कॉम्पिटेंसी की तरफ आ जाते हैं, कॉम्पिटेंस की तरफ आ जाते हैं. मीन किसी भी चीज़ को कम्प्लीट करने के, तो सक्सेसफुल लीड टू द कॉम्पिटेंस एंड द लेक ऑफ लीड्स टू द डेवलपमेंट इनर्शिया एंड इन्फ्रारिटी ऑफ द चाइल्ड. और अगर हम लोग नहीं कर पाते, हम लोगों में कोई चीज़ की कमी रह जाती है, तो फिर हम लोग इन्फ्रारिटी की तरफ आ जाते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज टू क्रिएट अ बैलेंस. और इसमें चीज़ आ जाती है कि हम लोग बैलेंस रखने के, बच्चा जो है इस एज में, इस स्टेज में, इस पीरियड में बैलेंस रखने के काबिल हो जाता है. आगे है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन. तो इसमें उसने क्या चीज़ बताई हुई है कि एडोलेसेंस लेड टू बॉडीली चेंजेस also lead to changes in expectation with oneself and with society around oneself. अब adolescence जो है उसके body changes आ रहे हैं, वो puberty level बच्चों का start हो गया है, ये adulthood में आ गए हैं, बच्चा बड़ा हो गया है. तो also lead to changes in expectation, उनकी expectations भी हैं वो भी इस period में change हो रही हैं, अपने लिए भी और society के लिए भी, ठीक है. उन्हें अपने अच्छे बूढ़े का, अब मैंने क्या पहनना, मैंने क्या ओढ़ना है, उन्हें इस चीज़ का सेंस आ गई है कि मैं ये चीज़ पहनूंगा या गी तो मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा. बच्चों में इस चीज़ की सेंस जो है वो डेवलप हो गई है. तो एडोलेसेंट सर्च फॉर सेल्फ और आइडेंटिटी फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द एंड इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनल. अब बच्चा जो है बेसिकली वो सर्च करने लग पड़ा है सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी, मीन अपनी शनाख्त की, कि मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है या मैंने ये चीज़ इंटीग्रेट करनी है अपने पर्सनल
वैल्यू से रिलेटेड, मीन उसको बिलीव का और गोल्स का बेसिकली पता चल गया और उसने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी फील्ड चूज करनी है कि वो उसको आगे से कंप्लीट कर सके, उसे कंप्लीशन में ला सके. देन दे आस्क्ड व्हाट इज आवर रोल इन सोसाइटी. फिर वो इस ये क्वेश्चन पूछता है कि मेरा क्या रोल है इस सोसाइटी में. ठीक हो गया. दे स्टार्ट टू लुकिंग देयर गोल्स, मतलब उनके अब गोल स्टार्ट हो रहे हैं या कैरियर, कैरियर का हम लोग सोचने लग पड़ते हैं या रिलेशनशिप्स में हम लोग आ जाते हैं. नाउ द कंफ्लिक्ट हियर फॉर पेरेंट्स, हाउ मच फ्रीडम टू एक्चुअली ग्रांट एंड हाउ मच कंट्रोल टू एज्यूम. अब ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि हम लोग उनको कितनी आज़ादी देनी है और हम लोगों ने उन पर कितना कंट्रोल करना है. ये चीज़ अब पेरेंट पर आ जाती है. द यंग पर्सन नाउ बोथ अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट, सक्सेस ऑफ द स्टेज लीड टू वर्चू ऑफ फिडेलिटी. अब इसमें फिडेलिटी का मतलब है कि हम लोगों ने अब अपने उसके तरफ जाना है, हम लोगों ने कौन सा शोभा चूज करना है, कौन सी फील्ड चूज करनी है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या अपनी दुनिया मतलब अपनी आगे रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है. तो फिडेलिटी मीन का मतलब है कमिटिंग वन सेल्फ टू अदर्स और एक्सेप्टिंग अदर्स टू डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. फिडेलिटी का मतलब है कि हम लोगों ने कमिट करना है अपने साथ और दूसरों के साथ और एक्सेप्ट करना है दूसरों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को और अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को. तो सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर डेवलपमेंट. आई मीन ये डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. आगे है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. तो इसमें उसने क्या चीज़ बताई है हम लोग पढ़ते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड सम पीपल एक्सप्लोर रिलेशनशिप डैट लीडिंग टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. समटाइम्स दीज रिलेशनशिप आर समवन अदर देन अ फैमिली मेंबर, सम ऑपोजिट सेक्स एंड सम सेम सेक्स. इस पीरियड में क्या होता है कि बेसिकली बच्चा जो है इस पीरियड में 18 से 40 साल की ये स्टेज है. ठीक है. अब इस पीरियड में लोगों ने एक्सप्लोर करने हैं रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि इनके आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए चलेंगे. मीन शादी का ये जो स्टेज है ना, ये बेसिकली शादी की स्टेज स्टार्ट हो गई है. तो इसमें क्या होता है कि दीज रिलेशनशिप आर समवन, कुछ फैमिली में रिलेशनशिप्स निकल आते हैं, कुछ ऑपोजिट सेक्स के, लाइक लड़का लड़की की फ्रेंडशिप हो गई है या दोनों लड़कियों की फ्रेंडशिप हो गई है, मतलब कि फ्रेंडशिप इतनी इस कदर गहरी हो जाती है कि वो आगे हमारे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ चली जाती है. तो अवॉइडेंस ऑफ इंटीमेसी, फेयर ऑफ कमिटमेंट्स कैन ऑफन लेड टू आइसोलेशन और लोनलीनेस एंड इन सम केसेस आल्सो डिप्रेशन. कहते हैं कि अगर हम लोग इंटीमेसी को जो है वो अवॉइड करेंगे तो ये हमारा आइसोलेशन की तरफ जाएगा, लोनलीनेस की तरफ भी जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिप्रेशन की तरफ हम लोगों को ले जाएगा. तो सक्सेस इन दिस स्टेज विल लेड टू वर्च्यू ऑफ लव. तो जो इसमें हम लोगों को जो सक्सेस मिलेगी वो हमारी वर्च्यू ऑफ लव होगी, लव. आगे है जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन. तो इसमें एक्सपीरियंस इज नीड टू क्रिएट नर्चर थिंग्स दैट डोंट थिंक अबाउट प्रेजेंट एनी मोर, दे थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशन, दे क्रिएट पॉजिटिव चेंज दैट बेनिफिट अदर पीपल. अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि हम लोग क्रिएट कर सकें नर्चर थिंग्स को, जो कि दैट डोंट थिंक अबाउट प्रेजेंट एनीमोर, जो कि हमें प्रेजेंट के बारे में सोचने पे मजबूर ना करें बल्कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचें और क्रिएट करें पॉजिटिव चेंजेस को, जो कि हम लोगों को भी बेनिफिट दें और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट दें. तो ये बेसिकली हमारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं हमारी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़. They just want give benefit of the society in this stage. मतलब इस स्टेज में हम लोग सोसाइटी को कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं. ठीक है. मीन हम लोग पढ़ चुके होते हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई का फ़ायदा या अपने किसी भी स्किल जो कि हमारे पास मौजूद है, हम उस स्किल का फ़ायदा जो है वो दूसरों को भी देना चाहते हैं. ये बात इसमें आ गई है. जैसे अब मेरा दिल किया कि मैंने अपनी जो बीएड ऑनर्स की पढ़ाई है वो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मेरा दिल किया कि अब मैं जो है अपना नॉलेज जितना भी मैंने उस स्टडी से गेन किया है तो मैं पूरी दुनिया को डेवलप करूँ, जो जो मतलब मुझे सुने. तो बेसिकली मैंने मतलब कि बेनिफिट देना चाहा आप लोगों को. तो ये वो स्टेज है. ठीक है ना. वैसे नहीं, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मतलब मेरा भी बेसिकली ये जनरेशन वर्सेस स्टैग्नेशन का पीरियड जो है वो एक तरह से स्टार्ट हो गया. मैं दूसरों को बेनिफिट देना चाहती हूँ, आप लोग भी कुछ करें या आप लोग दूसरों को बेनिफिट देना चाहें कि यार अच्छा चलो अल्लाह करे मेरी इस नॉलेज से या मेरी इस स्किल से किसी दूसरे का भला हो जाए. तो ये चीज़ बेसिकली इस स्टेज में आती है. तो सक्सेस इन दिस स्टेज लेड टू द फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस एंड अकम्पलिशमेंट. और इसमें जो सक्सेस मिलती है वो हमारी यूजफुलनेस और अकम्पलिशमेंट की तरफ की जाती है. मीन किसी चीज़ के अचीवमेंट की तरफ जाती है. और वर्च्यू हियर इज़ अबाउट टू केयर, मीन हम लोग किसी की केयर करना चाहते हैं. तो इसमें जो हमें बेसिक वर्च्यू हासिल होता है, गेन होता है, वो केयर का हासिल होता है.
द फेलियर इन द स्टेज लेड टू फीलिंग ऑफ स्टेग्नेशन और फीलिंग ऑफ बीइंग होलो, मैं वही अकेलापन है, आप लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते, आप लोगों के अंदर थोड़ी सी डाइवर्सिटी होती है, थोड़ी सी हसद होती है, तो ये चीजें सब आ जाती हैं, फीलिंग ऑफ बीइंग अनप्रोडक्टिव. आगे है ईगो इंटरनिटी वर्सेस डिसअपीयर, ये बेसिकली फाइनल स्टेज है, टाइम टू स्पैन देयर अचीवमेंट. अब ये टाइम आ गया कि हम लोगों ने स्पैन करना है अपने अचीवमेंट्स को, तो पीपल लुक बैक टू अचीवमेंट फेलियर एंड डिसीजन एंड देयर इंपैक्ट्स ऑफ दिस डिसीजन. अब लेकिन लोग जो होते हैं वो अपने पीछे जो उन्होंने फेलियर्स कर चुके आए होते हैं वो उनको देखते हैं और फिर उसके मामले में थोड़ा डिसीजन लेते हैं और अपने डिसीजंस को थोड़ा अपने उस डिसीजन पे मतलब थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं और कुछ अच्छा करने की ट्राई करते हैं. आउटकम बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ इंडिविजुअल एक्चुअली डिसाइड टू परसीव अवर जर्नी इन लाइफ. फिर इसमें बेसिकली वो इसमें जो आउटकम होते हैं वो बेसिकली हम लोग डिपेंड करते हैं इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि हाउ वी इंडिविजुअल एक्चुअली डिसाइड, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी जो पूरी लाइफ से हम लोगों ने क्या चीज़ परसीव की है, क्या चीज़ हासिल की है, हम लोग बैठ के उसको देखते हैं क्योंकि 65 साल की उम्र हो गई होती है. अब आप लोगों ने क्या करना है, घर बैठ के रोटी खानी है ना, तो अब हम लोग अपने जो फेलियर्स या जो सक्सेस हम लोगों ने अपनी लाइफ में की होती है हम लोग बेसिकली उसके लिए तरफ पास की तरफ नज़र दौड़ाते हैं कि हम लोगों ने ये गलतियाँ की थी, ये हम लोगों ने अच्छी बातें की थी, तो हम लोग अपनी आगे वाली आने वाली जनरेशन को, जो हमारी जनरेशन हमारी माशाल्लाह से आ गई होती है, हमारे पोते पोतियों वाले हो जाते हैं, तो हम लोग फिर उनको आगे से बताते हैं कि ये मैंने फेलियर किया था, आप लोग अपनी लाइफ में ये चीज़ ना करना. मीन हम लोग अब डिसीजन लेते हैं कि हमने अपनी पूरी लाइफ में, होल लाइफ में, जर्नी ऑफ लाइफ में परसीव क्या क्या किया. तो इंडिविजुअल डेट फील्स लाइफ ऑफ अनप्रोडक्टिवनेस लेड्स टू डिसअपीयर एंड अनसेटिस्फाइड लाइफ एंड वट एवर इट माइट बी डैट एक्चुअली सम फीलिंग्स ऑफ गिल्ट. और कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ अनप्रोडक्टिवनेस करके आए होते हैं, उनके उन्हें इस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, अनसेटिस्फाई होते हैं, तो वो एक्चुअली शर्मिंदगी का नहीं उनका एक पीरियड स्टार्ट हो जाता जिसको हम लोग डिसपेयर भी कह सकते हैं. डिसपेयर ठीक है ना, कैन एक्चुअली हाउ वी फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड होपलेसनेस. मीन हम लोग को फीलिंग आती है डिप्रेशन की और होपलेसनेस की. तो इंडिविजुअल एट दिस स्टेज लुक बैक इनटू देयर लाइफ एंड एनालाइज देयर लाइफ एंड सक्सेसफुल एनालिसिस ऑफ देयर लाइफ दैट लेड्स टू वर्चुअल विजडम बीइंग द पर्सनल करियर एंड सेटिस्फेक्शन. और अगर हम लोगों ने कुछ अच्छा अपनी लाइफ में किया होता है, अच्छा हम लोगों ने कुछ ना कुछ लोगों के लिए अच्छा फ़ायदेमंद कुछ करना करके आए होते हैं, तो हम लोग ये चीज़ हम लोगों को वर्चुअल विजडम की तरफ लेके जाती है. मीन पर्सनल करियर सेटिस्फेक्शन हमें देती है, अदरवाइज दिस लेड टू डिप्रेशन एंड ऑल थिंग्स नेगेटिव. ठीक हो गया, ये बेसिकली थ्योरी का जो था वो एंड हो गया है. हम लोगों ने जो अपनी कह लो कि थ्योरी जो है वो हमने अपनी जो थ्योरी है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है. ठीक है, मैंने आप लोगों को बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाने की ट्राई की है, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप लोगों को एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस के बारे में और किस किस उम्र में कौन कौन सी स्टेज, कौन कौन सी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स डेवलप होती हैं, ये चीज़ आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता चल गई होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.